हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, अगर मैं अपने फेवरेट फूलों के बारे में बात करूं तो मेरे जो फेवरेट फूलों हैं उनमें जो है सबसे ऊपर के लिस्ट में आता है कनेर। कनेर दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें जो है बहुत ही लो केयरिंग है और कीड़े मकोड़ों का अटैक भी इसमें दिखाई नहीं देता है। अगर पानी ज़्यादा हो कम हो तो उसकी वजह से पौधा अचानक से नहीं मरता है। बहुत ही हार्ड जो पौधा है कनेर होता है और नॉर्मल जो मौसम होता है चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो तो उस चीज़ का असर इस पर नहीं होता है। दोस्तों, कनेर में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है जिसमें से अभी तक जो मेरे बागान में हैं लगभग 12 पौधे मैंने लगाए हैं और जिसमें से 9 पौधे में फूल खिल रहे हैं। तो आज जो है उन सभी के सभी 9 पौधों को आपको दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ जो है किस तरह से इसकी देखभाल करनी चाहिए, कैसे इसमें लगातार फूल आ सकते हैं और लगाने का क्या तरीका होता है, तो सभी के बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज का ये वीडियो। दोस्तों, कनेर एक परमानेंट पौधा है और ये हमेशा ही आपके बागान में बना हुआ रहता है। केवल ठंड के 2 या 3 महीने को छोड़कर के बाकी पूरे साल भर इसमें फ्लावरिंग आती रहती है। फ्लावरिंग बहुत हैवी मात्रा में होती है और एक फूल के रहते रहते दूसरी कलियां भी बन जाती है और उसमें फूल आते रहते हैं। और जो भी फूल आते हैं बंचेस में भी आते हैं और जो है सिंगल वैरायटी भी होती है तो उसमें भी आते हैं। मुख्य तरह से जो है हम कनेर में 3 तरह हमें दिखाई देता है। एक तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि सिंगल पेटल्स है इस तरह के होते हैं और इसमें जो है डबल पेटल वाले भी होते हैं। और इसके अलावा सामने की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ जो है वो फूल भी इसमें होता है। तो ये सारे वैरायटीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं इस फूल को जो कि लगभग पूरी तरह से रेड है। इससे डार्क रेड में भी आता है कनेर, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। दोस्तों, पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कितने अच्छे से फूलों से ये पौधा भरा हुआ है। दोस्तों, फूल जब पूरी तरह से भर जाता है तो उसके बाद जो है कुछ दिनों में फूल फिर कुछ सूखने भी लगते हैं और बंचेस में जो है कुछ नए कलियां भी होती रहती है। और पुराने फूलों को जो है इसलिए हम अगर हटाते रहें तो फिर नए कलियां जब खिल करके आती है तो पौधा जो है काफ़ी सुंदर लगता है। इसलिए इसमें जो है एक काम आपको करना है कि रोज़ सुबह उठ करके देखना है कि कौन सा फूल थोड़ा सा मुरझा गया है और उसको जो है हाथ से पिंचिंग करके तोड़ना है। और जैसे पूरा बंच जो है लगभग खिल जाता है तो पूरे बंच को जो है उसके जहाँ से वो ब्रांच से निकला है बंच तो वहीं से बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो इसको आप पिंचिंग करके भी कर सकते हैं और चाहे तो कैंची से कट भी कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका पौधा काफ़ी सुंदर लगता है और लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। दोस्तों, कनेर की ये दूसरी वैरायटी जो मेरे पास है इसमें आप हल्का सा पिंक देख रहे होंगे और ये भी पूरी तरह से गुच्छों में बना हुआ होता है। दोस्तों, कनेर जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है और मैंने जब से इनको लगाया है तो मुझे कोई ख़ास इसमें बीमारी का असर नहीं दिखाई दिया। बीच में एक बार थोड़ा सा पत्तों में थोड़े से दाग आ रहे थे लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दोबारा से बारिश वगैरह हुई और जो है मौसम थोड़ा सा सही होते ही वो बीमारी भी ठीक हो गई। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको दवाइयों का स्प्रे करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास दूसरे पौधे लगे हुए हैं तो दूसरे पौधों में जब भी दवाई देते हैं तो इसमें भी उस समय जो स्प्रे है थोड़ा सा कर दिया करें। दोस्तों, कनेर के पौधे को आप आसानी से कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये जो वैरायटीज़ है मोस्टली इसमें से जो है मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। केवल
दो या तीन पौधे ही हैं जो कि मैंने खरीदे हैं, और बाकी के सभी जो है कटिंग लेकर के ही तैयार किया। ये जो है तीसरा पौधा है कनेर का, और इसमें देख रहे होंगे कि पहला वाला जो है जो हल्का पिंक था तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा पिंक ये है। तो तीन तरह के अभी तक मैंने आपको पिंक दिखाए हैं, जिसमें गाढ़ा पिंक, हल्का पिंक और ये जो है उनके बीच का जो पिंक है तो वो वाला कलर है। और उससे पहले जो है मैंने आपको एक लगभग जो है रेड कलर का है तो वो आपको दिखाया था। दोस्तों इसमें अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो शुरू में अगर आप पौधा नर्सरी से खरीद करके लाते हैं तो उस समय आप 30% जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है उसका यूज़ करें, और बाकी का आप मिट्टी रहने दें, चाहे तो आप 10% रेता भी मिला सकती हैं। लेकिन जब भी आप इसको रिपोर्ट करें, पौधा लगभग अगर 1 साल का होने वाला है या 1 साल हो चुका है, तो दोबारा रिपोर्ट करते समय आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जितना लेंगे उतनी ही मात्रा मिट्टी की लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 50-50% आपको गोबर की खाद और मिट्टी मिलानी है, और आपको उसमें जो है पौधे को रिपोर्ट कर देना है। कटिंग अगर आप लगा रही हैं तो उसमें कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और इस समय बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में आप जो है पेंसिल जितनी मोटाई के जो ब्रांच है उसको लेकर के आराम से इसकी कटिंग को लगा सकती हैं। दोस्तों आपके उंगलियों के जितनी मोटाई वाले जो ब्रांच है तो उसको भी लगाना अच्छा रहेगा, और इसको जो है आप लगभग 10 इंच की कटिंग ले लें और उसको जो है 8 इंच के पॉट में लगा दें। दोस्तों कनेर की जो चौथी वैरायटी है वो यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल पेटल में है और वाइट कलर में है, और बीच में थोड़ा सा जो है पीलापन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग इस पौधे में होती है, और इसका बड़ा पौधा भी हमारे घर में जो है ग्राउंड गार्डन में लगा हुआ है, तो वहीं से ब्रांच लेकर के इसको मैंने लगाया था। और लगभग लगभग जो है सभी कनेर के पौधे यहाँ पर जो है 2 साल के हो चुके हैं, और कुछ एक जो है 1 साल के भी हैं, और कुछ जो है नया मैंने लगाया है तो उसमें अभी अभी बस पत्ते निकलना शुरू हुए हैं। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर तक जो बिल्कुल नए वाले पौधे हैं तो उसमें भी आपको फूल दिखा पाऊँगा। दोस्तों इस तरह से देखिए मैं सूखे फूलों को जो है हटाता रहता हूँ तो उससे जो है पौधे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। पूरे बंचेज़ में ऊपर तक भरा हुआ है और चारों तरफ से जो है पूरा भर जाता है फूलों से। इसको जो है आपको फुल सनलाइट में रखना है, छत के ऊपर आप पॉट में लगा सकते हैं। पॉट थोड़ा सा बड़ा ही ले, शुरू में पौधा लाते हैं तो 8-10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, 12 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन पौधा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो कोशिश कीजिए कि पॉट के साइज़ को भी आप थोड़ा सा बढ़ा दें। और शुरू में जो है पौधे को थोड़ा सा आपको किसी स्टिक का सहारा देना पड़ेगा, तो स्टिक का सहारा देंगे तो पौधे फिर इधर उधर लड़खड़ाएंगे नहीं और सीधे बने हुए रहेंगे। ये जो देख रहे हैं 5वें नंबर पर है कनेर, और ये जो है डबल पेटल है और पिंक कलर में है। इसकी रेड वैरायटी भी आती है डबल में, तो अभी तक मुझे मिल नहीं पाई है, तो जैसे ही मुझे किसी नर्सरी में दिखाई देगा या कहीं पर अगर दिखाई दे किसी घर में तो कोशिश करूँगा कि वहाँ से ब्रांच ले लूँ, और नर्सरी में मिलेगा तो वहाँ से मैं पौधे को ख़रीद लूँगा। दोस्तों इसमें जब फूल खिलता है तो एक एक फूल कई दिनों तक टिका हुआ रहता है। मौसम पर डिपेंड करता है, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तब भी जो है 3 से 4 दिन तक एक एक फूल स्टे करता है, और जब तक उस फूल के झड़ने का वक्त होता है या सूखने का वक्त होता है तब तक दूसरी नई कलियाँ इसमें आ जाती है। और थोड़ा सा अगर मौसम ठीक रहे तब तो ये फूल जो है कई कई सप्ताह तक वैसे ही बने हुए रहते हैं। दोस्तों 6वें नंबर का जो फूल है वो वाइट में डबल पेटल वाला है। इससे पहले मैंने आपको सिंगल पेटल का दिखाया था, और ये फूल जो है बहुत कम नर्सरी में मिल पाती है, मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला था,
तो एक नर्सरी से मैं इसको ले आया था, जहाँ भी मुझे ये दिखाई दिया तो बहुत अच्छे हैं। और अभी जो है पौधा बिल्कुल छोटा सा ही है, और 1 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है इस पौधे को मैं लाया था, और देखिए फूल कितने अच्छे इसमें खिलने लगे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा ये भी मुझे। दोस्तों दूसरे वाले वाइट को भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाले जो है सिंगल पेटल में है, और उधर वाला जो दूसरा है वो डबल पेटल में है। तो दोनों ही फूल जो है काफ़ी प्यारे हैं, और बिल्कुल सभी फूल इसमें गुच्छों में ही खिलते हैं। जब भी फूल सूख जाए, मैंने पहले ही आपको कहा कि उसके पूरे जो बंच है तो बंच को आप हटा देंगे तो वहाँ से जो है आपको इसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी निकलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों ये पीले कलर का जो कनेर है, ये हमारे 7वें नंबर का कनेर है, और अक्सर हम इसको जो डिवाइडर है सड़कों में तो वहाँ पर लगे हुए देखते हैं, और मंदिरों में लगा हुआ देखते हैं। पूजा अर्चना में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, और मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है। दोस्तों ऐसे तो एक जहरीला पौधा माना जाता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि इसमें केवल जहर ही जहर है, बल्कि बहुत सारी दवाइयों में इसका यूज़ होता है, और एक आयुर्वेदिक पौधा है, और इसको खाया भी जाता है, लेकिन उसका जो तरीका है वो बिल्कुल आपको जो है किसी वैद्य से परामर्श लेकर के ही करना चाहिए, तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जहरीले होने की वजह से इसको आप घर पर लगा नहीं सकते, ऐसे नॉर्मली इससे कुछ भी नहीं होता है, बस इसके जो फल होते हैं तो उसको जो है नहीं खाना चाहिए, उसका भी एक तरीका होता है, लेकिन उससे जो है दवाई वगैरह बनती है। और बाकी इसके फूल को कई लोग जो है पीछे से चूस करके खाते भी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हितकर भी होता है। बाकी ये जो है हमारे 8वें नंबर का कनेर है, और ये जो है बिल्कुल पीले की तरह ही है, लेकिन ये वाइट कलर में है, तो इसमें भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी अभी जो है कुछ फूल ही इसमें खिले हैं, तो इस साल जो है फूल आने की शुरुआत इसमें हो रही है, और आशा करता हूँ कि कुछ दिन में ये भी पूरा पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। तो इस कनेर को भी आप लगा सकते हैं, और मेडिसिनल वैल्यू में ये भी पीले की तरह सेम है, और ठीक उसी तरीके का ये जो आप देख रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर में फूल है, और ये वाला आपको हल्के जो गुलाबी कलर है उसमें भी मिल सकता है। तो गुलाबी और ऑरेंज दोनों ही कलर में इस टाइप के फूल आते हैं, और ये जो लास्ट के 3 फूल मैंने दिखाए हैं 7वां, 8वां और 9वें नंबर का, तो ये तीनों ही जो है बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, और इन्हीं पौधों को ही आप जो है मंदिरों में देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत तरह के कनेर होते हैं, 3 तरह के कनेर की कटिंग मैंने और लगा दी है, तो अभी अभी उसमें बस पत्ते निकलना शुरू हुए हैं। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक उनके भी फूल मैं आपको दिखा पाऊँगा। दोस्तों इसके अलावा आजकल बहुत सारे हाइब्रिड कनेर भी आने लगे हैं, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे में ही फूल आने लगते हैं, और उसमें जो है मल्टी कलर भी होता है, लेकिन फूल जो है इसके मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, पूरी तरह से खुलता भी नहीं है। मुझे तो यही जो कनेर है देसी वाले ये ज़्यादा पसंद है। आपको हमारे इन कनेर में से कौन सा कनेर सबसे अच्छा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।